और महाशिवरात्रि का अवसर है जैसा कि, तो करोड़ों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, कांवर वाले हैं और जो जल लेके जाते हैं, स्नान वगैरह करने आते हैं पुण्य कमाने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो बहुत सारे श्रद्धालु इस समय यहाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कांवरियों की भी काफ़ी भीड़ है। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद जो आज एक लॉन्ग राइड का जो मौका मिला है, तो अभी हम जो चल रहे हैं और गांव से जो हम निकल लिए हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरह की यहां पर जो हरियाली है चारों तरफ, और अभी लगभग जो 9:15 बज रहे हैं सुबह के, तो लगभग जो है 200 किलोमीटर का जो आज का अपना जो सफर है रहने वाला है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे। तो बाकी तो जो पता आपको लग जाएगा कि कैसे कैसे चलना है, किधर चलना है। बराबर में ये रेलवे लाइन के बराबर हम चल रहे हैं, जो दिल्ली वाली रेलवे लाइन है, यानी कि मुरादाबाद से दिल्ली के लिए जो चलती है। और फिलहाल तो आप जो हरियाली का गांव की जो उसका आनंद लें। और भैया फाटक है अभी बंद, तो यहाँ पे तो रुकना पड़ेगा। वाले जो आ रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है बिजनौर 63 किलोमीटर, अमरोहा इधर को चले जाए 23, और बाकी लोकल का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। जो जगह जगह पर भंडारे लगे हुए हैं, जो गाँव वाले हैं उनकी सेवा के लिए वो भंडारे की व्यवस्था करी गई है। देखिए आप यहाँ पे भी सेवा भाव है जो लोगों का, जो काम ला रहे हैं भोले की उनके प्रति। और एक बढ़िया जो धरती का माहौल है, अच्छा लगता है देखने में। कल जो है महाशिवरात्रि है,
रोड तो बढ़िया है, पर ये यहाँ पे जो मतलब आबादी है दोनों तरफ, तो यहाँ जो ऐसा होता है कि कभी भी अचानक कोई निकल कर आ जाता तो यहाँ पर तेज़ चल नहीं सकते, तो अपने जो अंडर कंट्रोल ही चलना चाहिए। कई बार कोई पशु भी आ जाता। यहाँ पे हमें चलना सीधा, पीछे से जो रूट है वो वहाँ से डाइवर्ट कर दिया है अंदर की तरफ, ये जो पैदल वालों को पटरी है इसको जो बाइक लेती हूँ मैं, और ये हाँ सामने जो है ये लिफ्ट चल रही है, जो माता चंडी देवी का मंदिर है सामने जो देख रहे हैं जो लिफ्ट है, और ऊपर वो मंदिर है चोटी पर जो सामने, और यहाँ से जो टिकट ले करके लिफ्ट के जरिए ऊपर को मंदिर में जाते हैं। बहुत ही सुंदर जो मतलब यहाँ का इस समय जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है। इधर गंगा जी में से जो जल लेके तो भोले जो यहीं पैदल पैदल इधर को निकल जाते हैं भोले लेकर के, तो रोड जो उधर रह गया वो ऊपर दिख रहा होगा आपको रोड, और ये जो सामने जो है जो पुल है जिसके ऊपर हमें आना था, ये जो सामने पुल है इसके ऊपर घूमकर ये सीधा हरिद्वार मंदिर की तरफ गया, तो हमें जो यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया इधर की तरफ। ये देखिए यहाँ का ये आ गया पुल,
और ये यहाँ जो है पार्किंग टाइप बनी हुई है। और जो सामने देखो वो बहुत सुंदर जो है वो है वहाँ पे वो उधर वो माता मनसा देवी का मंदिर है और सामने गंगा जी है जो उधर हरिद्वार रह के सामने की तरफ। लेकिन ये जो हम दूसरी साइड आ गए जहाँ भी देखो समझो डीजे डीजे है। और ये जो रास्ता है इधर के लिए ये गया है चंडी घाट पे, तो यहाँ से वो जाने के बाद गंगा जी में स्नान कर सकते हैं चंडी घाट पे। यार दोस्तों स्वागत है आप सबका। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम जो हरिद्वार में हैं जो हर की पौड़ी है वहाँ इस समय हम खड़े हैं पतित पावनी माँ गंगा के तट पर। और बहुत ही सुंदर जो यहाँ का दृश्य है और महाशिवरात्रि का अवसर है जैसा कि, तो करोड़ों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं कांवर वाले हैं और जो जल लेके जाते हैं स्नान वगैरह करने आते हैं पुण्य कमाने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो बहुत सारे श्रद्धालु इस समय यहाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कांवरियों की भी काफ़ी भीड़ है। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे हर की पौड़ी, जो मुख्य हर की पौड़ी है जो मतलब गंगा जी का मंदिर है जहाँ पे वहाँ पे चलेंगे। तो जो हर की पौड़ी के प्राचीन मंदिर है सामने आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, गंगा जी मंदिर है, भागीरथ जी का मंदिर है और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है। और जो ये जो गंगा जी का मंदिर जो धारा में बना हुआ, तो ये वो स्थान है जहाँ पे क्या जो भागीरथी हैं जो माता गंगा है वो पहाड़ों से निकल गए और जो है मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार वो पवित्र भूमि है। और सामने आप देख रहे हैं महादेव की एक बहुत विशाल यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है, तो बहुत ही सुंदर और दिव्य नज़ारा। और यहाँ पे जो दोनों टाइम जो मतलब सुबह को आरती होती है गंगा जी की और शाम को भी जो गंगा जी की आरती होती है, सुबह को अगर सुबह ही आ सकते हैं तो सुबह ही आके यहाँ पर आरती में हिस्सा ले सकते हैं, बहुत भव्य आरती होती है। और अगर सुबह नहीं आ सकते हैं तो शाम को 6 बजे यहाँ पे जो बहुत भव्य आरती होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे होते हैं, तो आप जो उसमें भी गंगा जी की आरती में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत ही जो दुर्लभ दृश्य होता है उस समय पे। और यहाँ पे स्नान करने के बाद जैसा कि महाशिवरात्रि का अवसर है तो श्रद्धालु जो कांवर वगैरह यहीं से लेकर जाते हैं, कांवरें अपनी तैयार कर रहे हैं पीछे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक बढ़िया सा कमेंट करें। जय भोले की, हर हर महादेव।